पुलिस प्रशासन अनुरोध करता है कि आप सभी अपने अपने घरों में रहें। हम जानते हैं कि हम एक असामान्य परिस्थिति से जूझ रहे हैं। जहां पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इंदौर में ही सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं, यह आंकड़ा 44 है। तो क्या वजह है कि जिसकी वजह से इतनी संख्या में यहां पर कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंदौर में होना, जहां से कई महानगरों के लिए फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। ये प्रदेश का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इन महानगरों में कोरोना के पॉजिटिव केस से ज़्यादा हैं, इसलिए इंदौर में भी और केसेस आने की संभावना है। वहीं दूसरी वजह ये है इंदौर की जनसंख्या। जनसंख्या के मामले में इंदौर प्रदेश में सबसे आगे है। इसके साथ ही इंदौर अपने आसपास के छोटे शहरों को भी खुद में समेटे हुए है, इसलिए अगर किसी भी परिस्थिति में मेडिकल सिचुएशन बिगड़ती है, किसी भी नज़दीकी शहर में मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है, तो उसकी जिम्मेदारी इंदौर को ही उठानी है। तीसरी वजह यह है कि इंदौर का बिजनेस सिटी होना। बिजनेस की वजह से लोगों का लगातार दूसरे शहरों में आना जाना लगा रहता है। साथ ही कुछ व्यापारियों को अपने बिजनेस के चलते विदेश तक भी जाना होता है। ये भी एक बड़ी वजह है कि कोरोना के मामले इंदौर में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। चौथी वजह ये देखी जा सकती है कि इंदौरियों का इंदौरी दिल होना। ये है तो बहुत अच्छा, जिसके चलते सभी हर फेस्टिवल हर सामाजिक गतिविधि से जुड़ते हैं। दुख हो या तकलीफ, लोगों के सपोर्ट में यहाँ सभी हरदम खड़े होते हैं। मिलजुल कर यहाँ आयोजन किए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, लोगों का मिलना जुलना उनके लिए खतरा बन सकता है और पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ सकती है। पांचवी वजह ये है कि यहाँ हर तरह के आयोजन होते हैं। किसी भी तरह के आयोजन के लिए इंदौर को परफेक्ट माना जाता है। हाल ही में इंदौर में आईटा अवार्ड हुआ था और इस महीने आईफा का आयोजन भी इंदौर में होना था, जिसे कोरोना के चलते टाल दिया गया। समय समय पर यहाँ पर आयोजन होते हैं, जिसमें देश विदेश से कई लोग शामिल होते हैं। ये भी वजह है कोरोना वायरस शहर तक पहुँचने की। साथ ही इन आयोजनों में जनता के इकट्ठा होने से ये वायरस जनता में फैलने का खतरा है। इंदौर प्रशासन नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रहा है। शहर के चंदन नगर, हाथीपाला, रानीपुरा जैसी जगहों पर कोरोना संक्रमितों की संख्या ज़्यादा है। इन क्षेत्रों को प्रशासन ने पूरी तरह से सील कर दिया है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। तो यह इंदौरियों की जवाबदारी है कि घरों में रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, खुद को सुरक्षित रखें, साथ ही दूसरों को भी सुरक्षित रखें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।